आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं चोबा फ्लेक्सिंग से। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में सातवीं सालाना फीड लाइट मोहम्मदिया T20 वेदर हॉट क्रिकेट लीग सरप्रस्त आला मलक महमूद नासिर और चीफ ऑर्गेनाइजर सोहेल अहमद की सरप्रस्ती में क्रिकेट लीग T20 खेला गया, जिसमें मैच में मोहम्मदिया क्रिकेट एकेडमी की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब के कप्तान मोहम्मद इरफान साजिद और मोहम्मदिया फाइटर कप्तान अहमद शेराज के दरमियान खेला गया। सातवीं सालाना फीड लाइट मोहम्मदिया T20 वेदर हॉट क्रिकेट लीग के खेले जाने वाले मैच में सरदार वसीम अब्बास खान गादी, एडवोकेट मोहम्मद तनवीर पिटवारी, राणा काशिफ इसाक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। के फाइनल मैच में मारूफ समाजी रहनमा और सरप्रस्त आला मोहम्मदिया क्रिकेट एकेडमी मलक महमूद नासिर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। सरप्रस्त आला मोहम्मदिया क्रिकेट एकेडमी मलक महमूद नासिर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मोहतरम सोहेल अहमद की काविशों, खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट का जज्बा देकर हकीकत पर खुशी हुई है, बल्कि हमारे हर दिल अजीज शख्सियत खेलों से दिलचस्पी रखने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मियां मोहम्मद जमील को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने हमेशा खेलों के फरोग हर खिलाड़ी को इज्जत दी। खेल ना सिर्फ तफरीह बल्कि जिस्म को जहनी जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद और सेहतमंद बनाने का जरिया भी है। जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे। छोटे बच्चों के लिए खेलों की सरगर्मियाँ नहायत अहमियत की हामिल है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमान आने सरदार वसीम अब्बास खान गादी, एडवोकेट मोहम्मद तनवीर पटवारी, राणा काशिफ इसाक, चीफ गेस्ट महमूद नासिर और चीफ ऑर्गेनाइजर सोहेल अहमद ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। रिपोर्ट कर रहे थे रोबोटिक सिंह से, नुमाइंदा राणा काशिफ साहब।